नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सबको इस उसी कंप्यूटर में फिर से स्वागत है। तो आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है आपकी जो एक्जेंडर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, कई बार ऐसे होते हैं आपके दोस्त या कोई रिश्तेदार क्या होते हैं आपके मोबाइल पे कई चीज़ें ऐसे होते हैं कि आपकी पर्सनल है, वो आपको जो है एक्जेंडर अगर आप ओपन करते हैं तो उसको जो कनेक्ट करके वो आपकी जो एक्जेंट अगर आपकी एंड्रॉइड डिवाइस पर अगर कोई डेटा रहेगा तो क्या है आसानी से ट्रांसफ़र कर पाएंगे कर लेता है। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्जेंटर में कैसे पासवर्ड डाल सकते हैं और पासवर्ड डालने के बाद अगर कोई आके आपसे कनेक्ट करेगा तो वो जैसे आपसे रिसीव करेगा वो आपसे जो है पासवर्ड मांगेगा। तो सबसे पहले बात मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा और पहली बात जो अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेरा जो है ऐप्स में ओपन कर लेता हूँ एक्जेंडर, जैसे चलिए एक्जेंडर ओपन कर लिया। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया, देखिए एक्जेंडर, जैसे मैं यहाँ पे ओपन करूँगा देखिए, जैसे मैंने एक्सेंट ओपन किया, मैं जब अगर कोई अगर मान लो कि एक कोई पर्सनल आपकी फ़ोटो है तो अगर कोई आपसे लेगा तो देखिए मैं आपको बताऊँगा। ये जैसे मैं पहले जो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मेरा गैलरी ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा, चलो मान लिया कि ये जो है ये मेरा पर्सनल है, जैसे ये पर्सनल है अगर कोई लेना चाहेगा तो वो आसानी से ले सकते हैं। तो कहेगा सिवाल फिर या फिर एग्जेंट पर जाएंगे, जैसे वो एग्जेंट पर पे जाएगा एग्जेंटर पे, देखिए ऑप्शन हो चुका है। फिर जो है दूसरा एक मोबाइल जो है वो आपकी रिश्तेदार की हो सकता है या बंदू के, तो देखिए ऑटोमेटिकली सेंड। फिर यहाँ पे दूसरा मोबाइल जो है ओपन करेगा वो, जैसे ओपन करेगा जो है रिसीव करेगा यहाँ पे। तो रिसीव करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है, देखिए तो देखिए एक जो फोटो है वो आसानी से जो है ट्रांसफ़र कर लिया। तो आज मैं बताऊँगा आप अगर एक्जेंडर में पासवर्ड डालेंगे तो वो आपसे जो है कभी भी ले नहीं पाएगा आपके, अगर मोबाइल पे अगर पासवर्ड डाल के रखेगा तो वो कभी भी आसानी से ले नहीं पाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो कैसे पासवर्ड डालें इस एक्सेंडर पे, चलिए देखते हैं। तो मेरा जो एक्सेंडर है मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, आपको करना एक चीज़ है, आप पहले आपके जो है मेनू पे जाइए, मेनू पे जाने के बाद आप या फिर जो है आपको ऑप्शन मिलेगा एक्जेंटर, एक्जेंटर को ओपन कीजिए। इसको स्किप की दीजिए, यहाँ पे आपको करना क्या है, बस आपको जाना है एक ऑप्शन पे, वो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फ़ोटो है तो यहाँ पे आपको सेटिंग ओपन करना है। तो फ़ोटो यहाँ पे है तो फ़ोटो पे क्लिक कीजिए। जैसे ही फ़ोटो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएगा, तो आपको चुनना है सेटिंग पे, तो सेटिंग पे क्लिक कीजिए। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे एक नया चीज़ आएगा, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए थीम्स, डाउनलोड लोकेशन, क्लियर ट्रांसफर हिस्ट्री, टेम्बुलेशन फीचर, शो सिस्टम है ऑप्शन, सेट कनेक्शन पासवर्ड। तो आपको करना क्या है, सेट कनेक्शन पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो आपके यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है सेट कनेक्शन पासवर्ड, तो इसको आप जैसे ओपन करेंगे आप देखिए यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेंगे कि आप कौन से पासवर्ड डालना चाहते हैं।
तो आपको मांगेगा 8 कैरेक्टर्स। तो चलो मैं एक 8 कैरेक्टर्स की पासवर्ड डाल ही देता हूँ, जैसे कि मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाल दिया, ठीक है। फिर मैं इसको ओके कर दिया। जैसे मैं इसको ओके कर दिया, देखिए फिर बैक पे आना है। बैक पे आने के बाद फिर बैक पे चले जाइए। जैसे ये बैक पे जाएंगे चलिए, मेरा जो एग्जेंटर ऐप से है मैं उसको ओपन करता हूँ। तो देखिए मैंने इसको ओपन किया, अब इसकी बनवाए, तो ये मेरा जो एग्जेंटर है मैं टोटली जो है ऑन कर दिया। तो चलिए यहाँ पे मेरा जो बहुत सारे फोटोज़ है यहाँ पे दिखा रहा है। तो जैसे मैं अगर कोई इसको लेना चाहेगा, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, चलो ये चलो इसका जो है ये वाला जो है उसको पसंद आ गया, ये वाला, या चलो मान लीजिए ये वाला उसको पसंद आ गया। जैसे वो सेंड करेंगे, सेंड करेंगे तो वहाँ से जो है वहाँ पे जो है आपको रिसीव मांगेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने एक जेंडर पे पासवर्ड डालेंगे तो वो क्या होगा, वो आप जो आपके एंड्रॉइड सिस्टम पे जो पासवर्ड आपने डाल के रखा वो जब तक वो दूसरे मोबाइल पे नहीं डालेगा तब तक जो है आपकी कोई भी डेटा या फोटोज़ या वीडियोस या कोई भी चीज़ जो है ले नहीं पाएगा। तो ले नहीं मतलब उसको ले नहीं पाएगा, क्योंकि उस पर जो है आपने एक जेंडर पे जो है पहले से पासवर्ड डाल के रखा, तो दूसरी अगर मोबाइल कोई चाहेगी या कई फ़ोटोज़ या वीडियोज़ कोई अगर लेना चाहिए तो आपके परमिशन से वो ले नहीं पाएगा। हमारे क्या होता है, हम तो एक जेंडर यूज़ करते हैं, तो क्या होता है यार, मैंने एक जेंडर ओपन कर दिया, मैंने सेंड कर दिया, दूसरे मोबाइल पर रिसीव कर दिया, तो क्या होता है वो आसानी से कनेक्ट हो जाता है। फिर कोई भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी आपकी पर्सनल चीज़ होता है वो आसानी से जो दूसरे एंड्रॉइड डिवाइस पर वो आसानी से ट्रांसफ़र मतलब वो कर लेता है। तो अगर अपने एक्सेंटर पे अगर अपने एक्सेंटर पे पासवर्ड डालेंगे तो वो दूसरे मोबाइल अगर वो कनेक्ट करेगा तो पहले जो है आपने जो पासवर्ड डाल के रखा वो जब तक वो सही पासवर्ड नहीं देगा वो आपकी जो एक्सेंटर जो है कनेक्ट कर नहीं पाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता चुका हूँ कि इस वीडियो में कैसे अपने एक्सेंटर पे जो है आप जो आसानी से जो है पासवर्ड डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।